ट्रेडिशनली गुलाब जामुन मावा से बनता है, बट ड्यू टू दिस पैंडेमिक हम लोग बाहर से मावा या फिर पनीर नहीं ले रहे हैं। कुछ दिन पहले मेरी सिस्टर ने मेरे साथ एक बहुत ही डिलीशियस गुलाब जामुन रेसिपी शेयर की। बिलीव मी गाइस, ये बहुत ही टेस्टी है और एक नो फेल रेसिपी है। मैंने इसको एक छोटा सा मेकओवर दिया और इसको एक स्लिटेड गुलाब जामुन बनाया। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं स्लिटेड गुलाब जामुन। हाय गाइस, मैं हूँ तृप्ति और आप देख रहे हो तृप्तिस टेस्टी स्वीजन केक्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और रेड बेल आइकॉन प्रेस करिए। अगर आपको रेसिपी अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और एक लाइक दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी। ये डिलीशियस गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है मिल्क पाउडर 1 कप, मैदा चाहिए 3 टेबलस्पून, सूजी चाहिए 1/2 टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, देन घी चाहिए 1 टेबलस्पून। ये सबको मिला के एक डो बनाने के लिए दूध चाहिए 1/3 कप, ये आप कोई भी दूध ले सकते हो, बॉइल्ड मिल्क है पैकेट वाला। देन शुगर सिरप के लिए चीनी चाहिए 1.5 कप एंड पानी चाहिए 1.5 कप, और शुगर सिरप को फ्लेवर करने के लिए हमें इलायची चाहिए। तो आइए बनाते हैं गुलाब जामुन का डो। डो बनाने के लिए मैंने मिल्क पाउडर एक बाउल में ले लिया है। अब इसमें मैदा डाल देंगे। बेसिकली आपको सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स करना है और एक सॉफ्ट डो बनाना है, ज़्यादा हार्ड डो नहीं बनाएंगे। घी और दूध, आपको दूध डाल के धीरे धीरे इसका एक डो बनाना है। एक साथ सब दूध मत डालिए, धीरे धीरे डालिए। कभी कभी क्या होता है पूरा 1/3 कप मिल्क नहीं भी लगता है, तो आप उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे। ऐसा एक सॉफ्ट डो होना चाहिए। और ये बना के हम लोग अभी इसको 15-20 मिनट्स छोड़ देंगे, या जब तक ये थोड़ा सा आप रोल बना सको वैसा कंसिस्टेंसी में आना चाहिए। तो अभी हम इसको कवर कर लेते हैं और 15-20 मिनट्स छोड़ेंगे। चलिए बनाते हैं चाशनी। गैस ऑन कर लेते हैं। इसका शुगर सिरप बहुत ईजी है, जितना शक्कर आप लोगे सेम क्वांटिटी में पानी। तो मैंने 1.5 कप शुगर लिया है, तो 1.5 कप पानी लेना है। इसको स्टर करते हुए कुक करना है। इसमें शुगर डिजर्व होगा पानी में, कुछ हमें 1 थ्रेड या 2 थ्रेड वाला चाशनी नहीं चाहिए, शुगर डिजर्व होगा। 3-4 मिनट्स बॉयल होगा, आपका चाशनी रेडी है। इसमें जस्ट आपका हनी जैसा टेक्सचर आना चाहिए, हनी आप टच करोगे तो कैसा स्टिकी लगता है, बस वही कंसिस्टेंसी का चाशनी हमें चाहिए। तो अभी कुक करते हैं जब तक शुगर मेल्ट हो रहा है। इसको कंटिन्यूसली आप स्टर करो, नहीं तो शुगर नीचे लग जाएगा, क्योंकि हमारा फ्लेम अभी हाई में है। आप यही टाइम पे इलायची डाल सकते हो फ्लेवरिंग के लिए। इसमें आप देख सकते हो अभी शक्कर अच्छे से डिजर्व हो गया है पानी में और बॉईल होना शुरू हो गया है। इसको 2-3 मिनट बॉईल करेंगे, फिर ये आपका शुगर सिरप रेडी हो जाएगा। इसको अगर टच करोगे तो कुछ भी थ्रेड नहीं बनना चाहिए, जस्ट स्टिकी होना चाहिए। तो जैसे मैं टच कर रही हूँ, ये मुझे छूने में स्टिकी लग रहा है। तो बस मेरा चाशनी अभी रेडी है, इसको मैं अभी बंद कर दूँगी। आइए देख लेते हैं हमारा डो को। देख सकते हो डो बहुत अच्छा बना है। अभी इसके हम लोग छोटे छोटे पीसेस करेंगे, इक्वल पोर्शन में डिवाइड करेंगे एंड रोल करेंगे गुलाब जामुन के शेप में। मैं आज ओवल शेप का गुलाब जामुन बनाऊंगी, तो वो कैसे बनाएंगे आइए देख लेते हैं। एक प्लेट ले लीजिए और आप इसके छोटे पोर्शंस इक्वल पोर्शंस में आप ले लीजिए। इसका साइज आप ज़्यादा बड़ा नहीं रखोगे, क्योंकि ये तेल में जब हम इसको फ्राई करेंगे तो थोड़ा बड़ा होगा, एंड देन चाशनी में डालेंगे तो और बड़ा होगा। तो आप मीडियम साइज में रखो। अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा साइज का गुलाब जामुन या काला जामुन चाहिए। तो एक पोर्शन ऐसा लेंगे और इसको पाम के अंदर, दोनों हाथ के पाम के अंदर ऐसा रोल करेंगे
ये क्रैक फ्री होना चाहिए, क्रैक नहीं रहना चाहिए, ऐसा स्मूथ बॉल बनना चाहिए। ऐसा बॉल बना लेंगे, फिर क्या करेंगे, ऐसे इसको ओवल शेप में बनाएंगे। ठीक है, क्रैक फ्री होना चाहिए। क्रैक रहेगा तो तेल में जाके वो क्रैक होगा, एंड देन चाशनी में जाएगा तो वो बहुत ख़राब दिखेगा। ठीक है, ऐसा तो ऐसे ही मैं बाकी सारे गुलाब जामुन को शेप दे दूँगी। ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, हल्के हाथ में ही इसको हम लोग स्मूथ करेंगे। प्रेस करेंगे तो आपका गुलाब जामुन हार्ड बनेगा। सारे गुलाब जामुन को मैंने शेप दे दिया है, आप चाहो तो राउंड भी कर सकते हो, मैंने एलोंगेटेड शेप में किया है, ओवल शेप में किया है। आइए इसको अभी फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम किया है, आप चाहो तो घी में भी फ्राई कर सकते हो, या फिर आधा घी और आधा तेल ले सकते हो। चलिए फ्राई कर लेते हैं। आपका तेल प्रॉपरली गरम हुआ है क्या नहीं चेक करने के लिए आप एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा डो का तेल में ऐड करोगे। अगर वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है तो आपका तेल प्रॉपरली गर्म है। आप ये देखो बहुत स्लोली ऊपर आएगा, अभी थोड़ा थोड़ा बबल्स आ रहा है एंड धीरे धीरे ऊपर आएगा, तो आपका तेल परफेक्टली गर्म है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके जामुन्स को इसके अंदर डालेंगे। आप एक साथ सब नहीं डालोगे, एक डालोगे, थोड़ा टाइम आप 1 to 2 सेकेंड वेट करोगे, फिर आप दूसरा ऐड करोगे ताकि वो ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन रहे। अभी मैं दूसरा डालूंगी, अगर आप एक साथ डाल दोगे तो तेल आपका ठंडा हो जाएगा, देन आपका गुलाब जामुन फटेगा। और जितना तेल है अकॉर्डिंगली आपको डालना है, तेल कम है और आप गुलाब जामुन ज़्यादा डाल रहे हो तब भी वो प्रॉपरली कुक नहीं होगा और वो क्रैक होगा, तो आपको वो ध्यान में देना है। कम तेल लिया है तो कम जामुन डालिए, क्योंकि वो तेल में जाके थोड़ा सा साइज में बड़ा भी होता है। और गुलाब जामुन हमेशा स्लो फ्लेम में हम लोग फ्राई करते हैं। जामुन डालने के बाद हम उसको टच नहीं करेंगे, आप ऊपर से चाहो तो ऐसा तेल स्प्रिंकल कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो टच करोगे तो वो क्रैक होने का चांस रहता है। थोड़ा टाइम कुक हो जाएगा फिर आप उसको टच कर सकते हो। जैसे अभी ये कुक हो गया तो अभी मैं इसको थोड़ा सा टच, थोड़ा सा हल्का हल्का मैं आपको टच करना है, एकदम स्लो गैस में ये आपका कुक होना चाहिए। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद में रखना है, तब भी जाके आपका चीज़ परफेक्ट बनेगा। अगर आप अभी तक ये वीडियो को देख रहे हो और रेसिपी आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए अगर नए हो तो, और रेड बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए। ये डो बनाने के लिए 1/3 कप हम लोगों ने दूध ऐड किया है। तो फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है, पूरा 1/3 कप मिल्क नहीं लगता है, तो आपको जैसे पहले भी मैंने बताया डो बनाते टाइम को आपको स्लोली ऐड करना है, बट आप कम भी मत ऐड करो, क्योंकि इसमें सूजी है, मैदा है और मिल्क पाउडर है, तीनों ही लिक्विड एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर डो आपका बहुत हार्ड हो जाएगा रेस्ट करने के बाद 15 to 20 मिनट्स, तब भी आपका गुलाब जामुन हार्ड बनेगा। तो आप डो मैंने जैसे दिखाया था उतना ही लूज रखिए और 15 to 20 मिनट्स के बाद उसको रोल करके फ्राई करिए, गुलाब जामुन परफेक्ट बनेगा। बाई चांस अगर दूध ज़्यादा गिर गया डो में, तब भी आप क्या करो, उसको आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रेस्ट करने के लिए दे दो तो ड्राई हो जाएगा, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे स्टर करते हुए कुक करना है बीच बीच में, ताकि आपके गुलाब जामुन में अच्छा कलर आए और इवनली कुक हो, ऐसा ना हो कि एक तरफ डार्क हो जाए और एक तरफ लाइट हो जाए कलर। चाशनी मेरा वार्म है, उसमें मैंने थोड़ा सा इलायची डाल के फ्लेवर दिया है, वार्म चाशनी में इसी को हम लोग अभी ऐड करेंगे। मेरा ये गुलाब जामुन अभी हो गया है, इसको अगर मैं और 2-3 मिनट एक्स्ट्रा कुक करूँगी तो काला जामुन हो जाएगा, बट मुझे यही कलर में चाहिए। आज मैं स्टफ्ड गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ, तो स्टफिंग कैसे होगा तो वीडियो को आप आगे ज़रूर देखिए। सी फ्रेंड्स, अभी ये परफेक्ट कलर है चाशनी में जाने के लिए। ठीक है, और डालते ही आप इसको एक बार प्रेस कर लो ऐसे, और इसको कवर कर लो तो वो अच्छे से शुगर सिरप एब्जॉर्ब कर लेगा। चलिए अब बाकी के गुलाब जामुन भी फ्राई कर लेते हैं। ये गुलाब जामुन भी मेरा तैयार है, अब इसको भी चाशनी में मैं डाल दूंगी, तो इसको मैं अभी तेल से निकाल देती हूँ और चाशनी में ऐड कर देंगे।
अगर आप स्टर नहीं करोगे कंटिन्यूअसली ना, तो देखो ये कैसा वाइट रहेगा है, ऐसे ही रह जाएगा। तो इवन कलर के लिए आपको इसको ऐसे स्टर करते रहना है तेल में, ताकि वो अच्छे से कलर सब तरह से इक्वल कलर आए। तो मैंने दूसरा बैच भी चाशनी में डाल दिया, और इसको डालने के बाद थोड़ा सा आप ऊपर नीचे कर लो, ताकि जो नीचे पहले जो बैच डाला था ऊपर आ जाए, और अभी जो डाला वो नीचे जाए और अच्छे से चाशनी सोख करे। अभी ये करने के बाद आप इसको कवर करके कम से कम 4 to 5 hours आप इसको छोड़ेंगे, या फिर जब तक पूरा अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब ना हो जाए गुलाब जामुन के अंदर। तुम 4 to 5 hours वेट करते हैं, फिर देखते हैं कैसे इसको स्टफ़ करना है। देखिए फ्रेंड्स, गुलाब जामुन बहुत अच्छे से बन गया है, चाशनी बहुत अच्छे से सोक कर लिया है। अब इसको एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका अंदर का टेक्सचर। इसको मैं आज स्लिट करके मावा फिलिंग दूंगी। मावा का रेसिपी मेरे चैनल में ऑलरेडी है, आप देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इंस्टेंट मावा है, बहुत ईजी है। तो मैंने वो मावा में थोड़ा सा दूध डाल के उसको डाइल्यूट किया है। मैं एक अब काट के एक दिखाती हूँ, इसका टेक्सचर आप देखो, देखिए पूरा जूसी है और बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। तो अब इसको चलिए सब काट के हम लोग स्टफिंग करते हैं। मैंने ऐसे मावा लिया है और उसको दूध डाल के थोड़ा सा ऐसा डाइल्यूट कर लिया है। इसको अभी मैं एक पाइपिंग बैग में डाल दूंगी, आप चाहो तो चम्मच से भी स्टफ़ कर सकते हो। तो ऐसा एक पाइपिंग बैग ले देंगे और उसके अंदर थोड़ा सा मावा स्टफ़ कर लेंगे। एक गुलाब जामुन लेना है और उसमें एक स्लिट देना है। स्लिट आपको पूरा एंड तक नहीं देना है, थोड़ा छोड़ देना है एंड पे। फिर जो मावा मिक्सचर हम लोगों ने बनाया है उसके अंदर उसको स्टफ़ करना है। जो भी एक्स्ट्रा ऊज आउट हुआ है उसको आप स्मूदन कर दीजिए। और मैंने यहाँ पे इलायची एंड पिस्ता का एक पाउडर बना के रखा है, उससे गुलाब जामुन को गार्निश करूँगी। तो वाइट मावा के ऊपर ये ग्रीन कलर का पिस्ता बहुत सुंदर दिखता है। फिर ये सब गुलाब जामुन को मैं पेपर कप्स में सर्व करूँगी। ऐसे ही मैं बाकी सारे गुलाब जामुन को तैयार कर लूँगी। मैंने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपके साथ ये रेसिपी शेयर किया है। तो आई होप ये बनाएंगे और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ दिवाली एंजॉय करेंगे। कितना ईजीली गुलाब जामुन बन जाता है मिल्क पाउडर से, एंड टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको रेसिपी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और रेड बेल आइकॉन प्रेस करिए। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, कीप मेकिंग स्वीट्स एंड स्प्रेड स्वीटनेस अराउंड द वर्ल्ड। बाय, टेक केयर।